हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम टू दिस चैनल। जैसा कि आप लोग वीडियो का थंबनेल देखे हैं, तो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 8 के मैथ्स के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो देखिए आप लोग को इस पूरे ईयर क्या क्या चीज़ कवर करना है। सबसे पहले आपका हो गया रेशनल नंबर, सेकेंड आपका हो गया एक्सपोनेंट, थर्ड आपका हो गया स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, फोर्थ आपका हो जाएगा क्यूब एंड क्यूब रूट्स, फिर फिफ्थ आपका हो जाएगा प्लेइंग विथ नंबर्स, सिक्स हो जाएगा ऑपरेशन ऑन अलजेब्रा, फिर सेवन्थ फैक्टराइजेशन, एट्थ आपका हो गया लीनियर इक्वेशन, नाइन्थ हो गया परसेंटेज, टेंथ हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, एलेवेंथ हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्वेल्व हो गया आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रॉपर्टीज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस, थर्टीन आपका हो जाएगा टाइम एंड वर्क, फोर्टीन आपका हो जाएगा पॉलीगन्स, फिफ्टीन आपका हो गया क्वाड्रिलेटरल्स, सिक्सटीन आपका हो गया पैरेललोग्राम, सेवेंटीन आपका हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एटीन आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड पॉलीगन, फिर आपका नाइनटीन आपका हो जाएगा थ्री डायमेंशनल फिगर, ट्वेंटी हो जाएगा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड्स, 21 आपका हो जाएगा डाटा हैंडलिंग, 22 हो जाएगा आपका कंस्ट्रक्शन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बार ग्राफ्स, है ना, आप डिफरेंट टाइप के बार ग्राफ्स को पढ़ेंगे, फिर 23 हो गया पाई चार्ट्स, 24th हो गया आपका प्रोबेबिलिटी, 25th आपका हो जाएगा ग्राफ्स हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस पूरे ईयर यही सब चैप्टर्स को कवर करना है पूरे क्लास 8 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर पे, अब इसको नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके भी आप लोग नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर के बारे में, और आप लोग जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप क्या करेगा, नोट करते रहिएगा। चलिए देखिए रेशनल नंबर, कैसे लिखेगा, दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, वो सारे नंबर्स जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब आपका पी एंड क्यू दोनों आपका इंटीजर्स होना चाहिए, बट क्यू जो होगा आपका जीरो नहीं होगा। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय क्यू। तो आप कैसे लिख सकते हो, क्यू इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, पी बाय क्यू। ठीक है, जहाँ पे आप लिख सकते हो पी और क्यू आर इंटीजर्स बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए एग्जाम्पल, जैसे हो गया 5/6 हो गया, -5/8 हो गया, 4/7 हो गया, है ना, 2 whole 1/3 हो गया, इसको भी बोल सकते हो क्योंकि 2 3 6 + 1 7/3, फिर -9/2 बोल सकते हो। तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, एडिशनल नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें आप देखिए तो रेशनल नंबर आपका देखिए तो ये प्लस हो गया, ये निगेटिव हो गया, है ना। इस तरह से हम बता सकते हैं कि रेशनल नंबर जो भी आपका होगा वो दो तरह का होगा, एक होगा पॉजिटिव रेशनल नंबर, एक होगा निगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके टाइप पे आते हैं, टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। पहला हो जाएगा पॉजिटिव रेशनल नंबर और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होगा।
देखिए पॉजिटिव क्वेश्चन नंबर, मतलब व्हेन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना, जब आपका बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर पॉजिटिव और नेगेटिव, देन रेशनल नंबर्स आर पॉजिटिव रेशनल नंबर। हाँ देखिए क्या, जब आपका दोनों न्यूमरेटर, या तो दोनों न्यूमरेटर ठीक है, या सॉरी या तो आपका न्यूमरेटर देखिए जैसे 5/7 है ना, न्यूमरेटर भी आपका प्लस है डिनोमिनेटर भी आपका प्लस है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे आप बोलते हो -6/-11, तो देखिए तो दोनों आपका नेगेटिव हो गया, तो ये भी देखिए तो इसको हम लोग नेगेटिव नेगेटिव को कट कर सकते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा ठीक है। तो आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, जब बोथ मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो पॉजिटिव होगा और या तो दोनों नेगेटिव होगा, तो उस सिचुएशन में जो रेशनल नंबर होगा आपका क्या होगा, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट आइए नेगेटिव रेशनल नंबर का, नेगेटिव रेशनल नंबर देखिए इसमें क्या हो जाएगा, व्हेन न्यूमरेटर इज नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, या तो आपका न्यूमरेटर नेगेटिव हो गया या तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया, और न्यूमरेटर इज पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, देन द रेशनल नंबर्स इज नेगेटिव रेशनल नंबर। यहाँ तक क्लियर है कि जब आपका न्यूमरेटर, आपका एक केस ऐसा हो सकता है कि न्यूमरेटर आपका नेगेटिव होगा और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाएगा, और दूसरा केस क्या हो सकता है कि न्यूमरेटर आपका पॉजिटिव होगा एंड डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, आपका रेशनल नंबर जो होगा वो क्या होगा, आपका एक निगेटिव रेशनल नंबर होगा ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो, मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग -5/6, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, एक निगेटिव रेशनल नंबर होगा, निगेटिव रेशनल नंबर। फिर आप बोल सकते हो -4/7, ये भी आपका निगेटिव होगा। अगर बात करेगा आप लोग 2/-9 का, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा ठीक है। तो या तो आपका न्यूमरेटर निगेटिव होगा या तो डिनोमिनेटर निगेटिव होगा ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव रेशनल नंबर होगा ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, या उससे पहले कुछ नोट देख लीजिए। देखिए नोट, नोट में क्या हो जाएगा कि 0 इज रेशनल नंबर ठीक है, 0 आपका क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा ठीक है। 0 क्या रेशनल, कैसे देखिए, क्योंकि आप 0 को लिख सकते हो, 0/1 लिख सकते हो, तो देखिए तो ऊपर तो आपका 0 हो सकता है बट नीचे 0 नहीं होना चाहिए, है ना, तो आप बोल सकते हो कि 0 आपका क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। दूसरा नोट देखिए, ऑल द पॉजिटिव रेशनल नंबर्स आर ग्रेटर देन 0, जितने भी आपके पॉजिटिव रेशनल नंबर होंगे सब क्या होंगे, आपके 0 से बड़े होंगे ठीक है। थर्ड देखिए, ऑल द
निगेटिव रेशनल नंबर्स आर लेस देन जीरो। जितने भी आपके निगेटिव नंबर होंगे, निगेटिव रेशनल नंबर सब क्या होंगे, जीरो से लेस देन होंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर आप लोग पढ़े होंगे कि ये एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी p by q के फॉर्म में रेशनल नंबर आपका स्टैंडर्ड तभी होगा जब पहली बात कि नीचे में डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए एंड आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म को मेंटेन करेगा। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, देखिए जैसे आपका p बाई क्यू कोई रेशनल नंबर है। ठीक है, p बाई क्यू क्या हो गया आपका, एक रेशनल नंबर। तो सबसे पहली बात क्या होना चाहिए कि q मस्ट बी पॉजिटिव, और दूसरी बात होना चाहिए कि p एंड q हैव कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर 1। देखिए अब जैसे मान के चलिए अगर आपके पास 4/6 अगर कोई रेशनल नंबर है 4/6, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपका 4 और 6 में 1 के अलावा 2 भी कॉमन फैक्टर है। देखिए इसको पहले आप कट कर लीजिए, है ना, रुक जाइए पहले इसको देखिए। 4/6 के बारे में कहिएगा तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो इसको आप कैसे करेंगे, इसको 4/6 को देखिए तो आप कट कर सकते हैं, 2 जा और 2 जा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2/3 हो गया। अब देखिए आपका ये भी 3 भी आपका प्लस में है, है ना, 3 भी आपका प्लस में है, और आपका 2 एंड 3 में 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तब हम बोल सकते हैं ये आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। ठीक है, फिर देखिए उसी तरह आपके पास 5/-6 है, तो ये भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म को मेंटेन नहीं किया क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव हो गया। हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों में क्या करेंगे, हम लोग नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमको पॉजिटिव करना है, ऊपर नेगेटिव हो सकता है बट नीचे हमेशा आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं किसी भी रेशनल नंबर को। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज पे आते हैं। प्रॉपर्टीज देखिए, देखिए यही पहला प्रॉपर्टी है कि अगर आपका a बाई बी अगर कोई रेशनल नंबर है, तो आप अगर m अगर कोई नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा नंबर जो जीरो नहीं हो, तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे एग्जांपल देख लीजिए इसका, जैसे आपका 5/6 कोई रेशनल नंबर है, है ना, और आप क्या करिए यहाँ पे, आप क्या करिए 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये आपका 2 क्या है, एक नॉन जीरो नंबर है, तो आपका कितना हो गया 10/12। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप क्या करिए, 5/6 है, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 15/18। फिर आप क्या कर लीजिए, 5/6 इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 20/24 हो जाएगा। तो ये सब एक्चुअली क्या हो जाएगा आपके, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स।
ठीक है, जब भी कभी किसी रेशनल नंबर में आप एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, है ना, ऊपर नीचे दोनों सेम होना चाहिए, तो आपका जो नंबर ऑब्टेंड होगा रेशनल नंबर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, यही आपका पहला प्रॉपर्टीज कि जब कोई भी रेशनल नंबर आपका ए बाई बी के फॉर्म में है, अगर आपके पास एम अगर कोई नॉन जीरो इंटीजर है, तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, एंड जो नंबर आपका ऑब्टेन होगा देन दीज नंबर्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, देखिए अगर ए बाई बी अगर आपका रेशनल नंबर है, तो अगर एम अगर एक डिवाइजर होगा, है ना, और डिवाइजर जो होगा उसको क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल, जैसे 5/6 अगर कोई रेशनल नंबर है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, 5/6 को अगर ऊपर 2 से डिवाइड करेगा, तो नीचे भी आप क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका फिर यही नंबर इसी को अगर आपको सपोज 3 से ऊपर डिवाइड कर रहे हैं, तो आप नीचे भी क्या कर सकते हो, 3 से डिवाइड कर सकते हो, और इस सब को आप क्या करिएगा, सॉल्व करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरे प्रॉपर्टी पे आते हैं। देखिए ए बाय बी एंड सी बाय डी आर रेशनल नंबर्स तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी, और यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ए को डी से कर लीजिए और बी को आप सी से कर सकते हैं, तो मतलब हो जाएगा आपका ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, और अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंपेरिजन ऑफ रेशनल नंबर, कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, जैसे अगर आपका ए बाय बी है और दूसरा सी बाय डी है, तो इसको क्या करेगा, सबसे पहला स्टेप क्या करेगा, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म पहला स्टेप। उसके बाद क्या करेगा आप लोग, जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, और तब जाके जो न्यूमरेटर में बड़ा होगा, है ना, सी विच फ्रैक्शन या विच रेशनल नंबर हैज न्यूमरेटर बिगर, जिसका बड़ा होगा वही आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा रेशनल नंबर। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल से आप लोग क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पास 5/6 है, या देखिए 2/3 है एंड 3/4 है, इसमें अगर आपको कंपैरिजन करना है कि क्या ये कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करिए, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 3 एंड 4 का क्या होगा आपका 12। ठीक है, 12 हो गया एलसीएम, तो आप देखिए 2/3, अब देखिए 12 है, तो आप क्या करिएगा कि नीचे 12 आएगा, है ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब किसी तरह डिनोमिनेटर सेम करना चाह रहे हैं, और 3/4 में देखिए नीचे 12 आना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया। इसका मतलब ये हो जाएगा, है ना, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपको 2/3 एंड 3/4 में कंपैरिजन करने के लिए कहा जाएगा, तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन देखिए तो 3/4 का न्यूमरेटर बड़ा है, तो इसका मतलब आप बोल सकते हो यहाँ से कि 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3।
थ्री बाई फोर क्या हो जाएगा आपका 2/3 से ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख लीजिए। सपोज माइनस या ऐसे रहा आपका 2 बाई -5 एंड 4 बाई 3, जैसे ये रहा। ठीक है, इसको देखिए सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका क्या हो जाएगा 2 -2/5 एंड आपका हो गया 4/3 हो गया, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। चलिए अब क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 5/3 का 15 हो गया। ठीक है, अब क्या करिए देखिए, -2/5 है, 15 लाने के लिए नीचे आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा -6/15, और ये आपका क्या हो जाएगा 4/3 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर 15 लाने के लिए नीचे 20/15। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बट आपका एक नंबर निगेटिव में है, तो आप बता सकते हो कि आपका ये क्या होगा 20/15 बड़ा है इससे, तो हम बोल सकते हैं क्या, जो 4/3 इज ग्रेटर देन -2/5, ये हो जाएगा। वैसे भी आप यहाँ पे भी आप बता सकते थे कि ये पॉजिटिव नंबर है और ये नेगेटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव से बड़ा होता है, तो इस तरह से आप यहाँ से ही बता सकते हो, बट अगर आप प्रोसेस यूज करना चाहेगा तो ऐसे बना सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए आई होप समझ में आ गया होगा ये सब। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डेसिमल नंबर का और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए एंड ऑल द बेस्ट।